Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Chima, welcome back with another video. This video is about Gulberg Green's blog E for Elephant. This video I will explain some things. Number 1, Gulberg Green's blog E ka distance from the main Islamabad expressway. Number 2, Gulberg Green's blog E mein plot ke sizes, kis sizes ke plots hain. Number 3, in mein se kitne plot developed hain, ratio of development. Non-developed plot कितने हैं, developed plot कितने हैं, and number 4 के इनकी prices क्या हैं. सबसे पहले जो point है वो Gulberg Greens Block E का main Islamabad Expressway से distance, यानी location का distance है. इस वक्त जो road आप screen पे देख रहे हैं, ये entrance road है जो connect करती है Gulberg Expressway को with the main Islamabad Expressway. इसी road के end पे आके जाके नया underpass बन रहा है, तो इसके बाद Gulberg की रवाद तक भी जो access है, वो signal free हो जाएगी, जो आने वाले एक साल में तकरीबन project मुकम्मल हो जाएगा. For the time being, आपको zero point से zero point Islamabad से जो Islamabad का starting point है, वहां से ब्लॉक ई तक सिग्नल फ्री एक्सेस मिलती है और ब्लॉक ई की मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से सिग्नल फ्री एक्सेस है. तो टोटल आप जो जीरो पॉइंट तक एक्सेस लगा सकते हैं या डिस्टेंस लगा सकते हैं वो शायद 16-17 किलोमीटर बनता हो, लेकिन जो टाइम लगता है आपको वो हार्डली 5-7 मिनट्स, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे कोई सिग्नल नहीं है और गुलबर्ग के अंदर एंटर होने के बाद भी वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है. सबसे पहले देखते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे कि ये जो लोकेशन है कहाँ लोकेट करती है. इस वक्त अपनी स्क्रीन पे गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद का ओवरऑल जो मैप है या लेआउट प्लान है वो देख सकते हैं. और आज की जो वीडियो बेसिकली वो इस ब्लॉक के हवाले से, ब्लॉक ई के हवाले से. इनिशियली मैं ड्रोन को यहाँ से फ्लाई करूँगा और आपको ये वाली जो स्ट्रीट है इन पर जो बन रही हैं फार्म हाउसेज उनकी फुटेज दिखाऊंगा, प्लस जो अभी नॉन डेवलप है वो भी आप देख लेंगे. सेकेंडली, सबसे पहले जो हमने बात की थी वो की थी लोकेशन की, कि गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई का मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से डिस्टेंस कितना बनता है. तो सबसे पहले वो मैं ये कर लेते हैं, ये मैं आपको मैप को थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर एक आइडिया मिल जाए कि ओवरऑल डिस्टेंस जो बनता है वो कितना बनता है. हम इसको यहाँ रख लेता हूँ, जूम करके देखें. तो सबसे पहले ये इस्लामाबाद पे गुलबर्ग ग्रीन्स का इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे जो एंट्रेंस पॉइंट है वो ये बनता है. इस पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस लगाएं ब्लॉक ई का, तो वो इस वीडियो में आपको मैं पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ कि कितना डिस्टेंस बनता है. ये जो इनिशियल पार्ट है यहाँ तक, ये रेड ब्रिज तक, ये लेफ्ट साइड वाली जो पॉपुलेशन है ये गुलबर्ग का पार्ट नहीं है. इसके आगे यहाँ से गुलबर्ग ग्रीन स्टार्ट होता है, जिसमें ये इस ब्लॉक का नाम है एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ. चलें जी, नेक्स्ट इस रेड ब्रिज को क्रॉस करते हैं काजम ब्रिज को. तो नेक्स्ट जो मेन 220 फीट वाइड बुलेवर्ड शुरू हो जाती है, जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे कमर्शियल्स हैं, और यह लीड करती है ब्लॉक सी के राउंड अबाउट तक, जहाँ पे दो मेगा मॉल्स के प्लॉट हैं और एक 5-स्टार होटल का 168 कनाल का प्लॉट है. ये यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 3.89 किलोमीटर्स, और इस पॉइंट तक आगे जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 4.93 किलोमीटर. तो यहाँ से राइट साइड पे ये वाला जितना पार्ट है ये सारा गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई का ब्लॉक है. ये यहाँ जितने प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सारे कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल और 4 कनाल के प्लॉट्स हैं. अभी देखते हैं जी किसका जीरो पॉइंट से डिस्टेंस कितना बनता है. ये बन गया 4.93 किलोमीटर. अब इसका ओवरऑल जीरो पॉइंट से डिस्टेंस अगर मेजर कर लें गुलबर्ग की एंट्रेंस पॉइंट का विद द मेन डिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट, ये गुलबर्ग की जी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे एंट्रेंस पॉइंट है. हम इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ईजिली हम जीरो पॉइंट को देख सकें. जी जीरो पॉइंट कैलकुलेट करता है, ये जीरो पॉइंट है एग्जैक्ट G8 के साथ, ये जो आपको राउंड अबाउट नज़र आ रहा है ये जीरो पॉइंट है. इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस बनता है दैट इज़ 12.85 किलोमीटर्स प्लस 4.93 किलोमीटर्स. ये आप टोटल डिस्टेंस काउंट कर लें, ये आपका ब्लॉक ई तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर के साथ आपका जो डिस्टेंस बनता है, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे कोई सिग्नल नहीं है टिल गुलबर्ग ग्रीन्स. अब आगे गुलबर्ग के अंदर एंटर होने के बाद भी कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, तो आपको अच्छी तरह का आइडिया मिल जाता है कि गुलबर्ग की लोकेशन ओवरऑल क्या बनती है. लोकेशन में इतना एम्फसाइज इसलिए करता हूँ कि लोकेशन जो है बेसिकली वो डिफाइन करती है सोसाइटी के एक्चुअल स्टेटस को. जो भी सोसाइटी है उसकी लोकेशन अगर अच्छी है तो सोसाइटी अच्छी है, लोकेशन अच्छी नहीं है तो सोसाइटी अच्छी नहीं है. अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज, इस वक्त जो स्क्रीन पे फुटेज देख रहे हैं ये गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई जो पहली स्ट्रिप है, जहाँ पे पहले सिर्फ 10-10 कनाल के प्लॉट्स थे, अभी यहाँ पे एक जो मेन रोड फेसिंग प्लॉट्स हैं उनको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया है. कमर्शियल यानी 4-4 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और उनकी बैक साइड पे जो E4 स्ट्रीट नंबर है जिसकी वेट थी 50 फीट, वहाँ से प्लॉट शुरू होते हैं. 10-10 कनाल के प्लॉट हैं गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई में. इस वक्त 10 कनाल के प्लॉट पर किसी भी कोई फार्म हाउस नहीं बना, तो इसलिए मैं उसकी फुटेज नहीं दिखा सकता. गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई में ज़्यादातर जो फार्म हाउसेज बने हुए हैं वो बने हुए 5 कनाल के, और 5 कनाल के एक प्लॉट ऐसा भी है जो पेयर प्लॉट है जिस पे दो प्लॉट्स पे एक फार्म हाउस बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा, एक काफ़ी ज़्यादा प्यारा फार्म हाउस है और ओवरऑल उसकी एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारी है. सेकंड के गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई में जो प्लॉट हैं यहाँ पे 4-5-10 कनाल के, इनके प्लॉट में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है. गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई के रेशो की बात करें तो टोटल तकरीबन 250 प्लॉट्स हैं. डेवलप प्लॉट का स्टेटस काउंट करें तकरीबन 70-80 बनते हैं. तो ओवरऑल जो रेशो बनता है डेवलपमेंट का अराउंड 37-40% रेशो है जो प्लॉट्स डेवलप हैं. बाकी प्लॉट्स गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई में अभी नॉन डेवलप हैं. राइट साइड पे स्ट्रीट E4 और E7 के दरमियान में आपको जो
फार्म हाउसेज़ नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ये फार्म हाउसेज अभी रिसेंटली कुछ फार्म हाउसेज ऐसे हैं जो पिछले एक साल के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो पिछले साल यहाँ पे हार्डली पूरे ब्लॉक में सिर्फ दो फार्म हाउसेज या तीन फार्म हाउसेज थे, अभी यहाँ पे एटलीस्ट ब्लॉक में 7 से 8 फार्म हाउसेज हैं। ये कुछ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कुछ राइट साइड वाली स्ट्रीट पर वाकई हैं। नेक्स्ट इसके इनमें अभी फार्म हाउसेज डेवलप का और डाउन डेवलप का रेशियो ने बता दिया, लोकेशन का बता दिया। थर्ड कि यहाँ पे टोटल जो प्लॉट के साइजेस बनते हैं या प्लॉट किस किस साइज़ के प्लॉट्स हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए दोबारा मुझे गूगल अर्थ या गुलबर्ग के मास्टर प्लान की मदद लेनी पड़ेगी कि गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई में किस साइज़ के प्लॉट्स हैं। अगेन बैक टू मैप ऑफ गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई, और जो स्क्रीन पर भी फुटेज देख रहे हैं, जो भी आपने फुटेज देखी है वो ब्लॉक ई इस ब्लॉक की है जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर जूम कर रहा हूँ। ब्लॉक ई इसमें जो लाइट येलो कलर में आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये 10 कनाल के प्लॉट्स हैं जो ये मेन रोड पर जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 18, ये वाले जो 17 सॉरी, ये प्लॉट जो हैं ये कमर्शियल में कन्वर्ट हो गए हैं, और इनमें 4-4 कनाल कमर्शियल प्लॉट है जिसमें अभी ये मेन इस प्लॉट पर डिगिंग भी स्टार्ट हो गई। ये डायमंड मॉल का प्लॉट है और ये साथ जिवोरा का प्लॉट है। अभी बाकी इसकी मेन रोड वाले जो प्लॉट बैक वाले प्लॉट हैं वो 10 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट ही हैं, जैसे प्लॉट नंबर 18 से प्लॉट नंबर 34। और इसमें जो प्लॉट का स्टेटस है डेवलपमेंट का, तो इसमें मैक्सिमम जो प्लॉट डेवलप है वो 24 से लेके प्लॉट नंबर 34 तक डेवलप है, 10 प्लॉट डेवलप हैं, बाकी जो 18 से लेके 22 तक प्लॉट हैं ये नॉन डेवलप हैं। बाकी जो 5 कनाल के प्लॉट्स हैं ये अगर मैं जूम आउट कर दूं तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट पे कि ये वाली स्ट्रीट भी पूरी डेवलप्ड है, ये वाली स्ट्रीट भी डेवलप्ड है, और ये लास्ट में कुछ स्ट्रीट है ये भी डेवलप्ड है। ये दो कंबाइंड प्लॉट से बना हुआ फार्म हाउस है, और इस वक्त यहाँ पर जितने प्लॉट डेवलप हैं उन्होंने रेशियो आपको दी है कि ऑलमोस्ट 37-36% की रेशियो जो डेवलप्ड है, बाकी नॉन डेवलप्ड है। ये क्यों नॉन डेवलप्ड है इसका आप सोसाइटी से कंफर्म कर सकते हैं कि क्यों नॉन डेवलप है, मैं कुछ बात करूंगा यहाँ तो ऐसे स्कैंडल बन जाएगा। तो यहाँ पे जितनी ब्लॉक की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आपके सामने, ये मैं एक्चुअल गूगल साइट गूगल अर्थ इमेजेस एक्सप्लेन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप घर बैठ के भी इसको टैली कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से प्लॉट डेवलप्ड हैं, कौन से प्लॉट नॉन डेवलप हैं। अब ये जैसे 4 कनाल के लास्ट वाली सीरीज़ के प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर 133 टू प्लॉट नंबर 159 तमाम के तमाम नॉन डेवलप्ड हैं, कुछ प्लॉट्स डेवलप हैं 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 डेवलप्ड हैं। इसकी बैक वाले भी 164, 163, 162, 161 डेवलप्ड हैं, आगे 165 से लेके 186 नॉन डेवलप्ड है, 203 से लेके 220 ये तो पूरी स्ट्रीट ही नॉन डेवलप है, ये बल्कि इनफैक्ट शायद इसकी लैंड रिक्वायरमेंट का मसला हो लिटिगेशन का। बहरहाल ये जो प्लॉट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये ओवरऑल गुलबर्ग ग्रीन्स में 4 तरह के प्लॉट्स हैं और 3 तरह के प्लॉट्स हैं, 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल, और इनमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो कनाल है गुलबर्ग ग्रीन्स में वो कनाल का साइज़ बनता है 272 स्क्वायर फीट का मरला। तो यहाँ पे आपको जो 4 कनाल की डायमेंशन मिलेगी वो बेसिकली 5 कनाल होगा, जो आपको 5 कनाल की डायमेंशन मिलेगी वो बेसिकली 6 कनाल होगा, और जो आपको 10 कनाल की डायमेंशन मिलेगी वो बेसिकली 12 कनाल का प्लॉट होगा। अगेन बैक टू रियल टाइम इमेज, आप देखते हैं कि इन जो स्ट्रीट्स पर आपको जो भी एक्सप्लेन किए हैं गूगल अर्थ की मदद से, यहाँ पे एक्चुअल स्टेटस डेवलपमेंट का इस वक्त क्या है। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज प्राइजेज। मैंने स्टार्टिंग पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि नंबर 1 के गुलबर्ग की मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से लोकेशन या 0 पॉइंट से लोकेशन, नंबर 2 के गुलबर्ग में किस तरह के प्लॉट्स हैं, नंबर 3 के डेवलपमेंट की रेशियो कितने प्लॉट्स डेवलप्ड हैं कितने प्लॉट्स नॉन डेवलप्ड हैं। अब बात करते हैं इनकी प्राइजेस के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से जो इस वक्त डी ई ब्लॉक में प्राइजेज हैं वो 4 करोड़ से लेके अप टू 11.5 करोड़ प्राइसेज हैं, और इन प्राइसेस में जितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं तमाम प्लॉट्स रीसेल में हैं। अगर हम नॉन डेवलप प्लॉट की बात करें या डेवलप प्लॉट की बात करें तो ओवरऑल एक सेपरेट ब्रैकेट है, ज़्यादा बात है मैं प्लॉट टू प्लॉट नहीं जा सकता क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपको प्राइसेस कंफर्म करनी है तो नंबर आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ई में किसी भी प्लॉट की प्राइस कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस है इस वक्त करंट रीसेल में, यहाँ पे प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हैं। अब बात करते हैं जी इस वक्त जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनके स्ट्रक्चर पे ओवरऑल, जो लास्ट पॉइंट मैंने 4 पॉइंट जो मेन पॉइंट थे वो एक्सप्लेन कर दिए आपको, लास्ट पॉइंट स्ट्रक्चर कि यहाँ पे आपको CDA की तरफ से, क्योंकि गुलबर्ग इज़ अ सोसाइटी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, एक जैसा DHA आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की सोसाइटी है, इस तरह गुलबर्ग भी, गुलबर्ग इस्लामाबाद भी IBECHS इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में जितने प्लॉट्स हैं, जितने रूल्स रेगुलेशन है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया दो पार्ट्स हैं सोसाइटी के। गुलबर्ग ग्रीन्स में जितने प्लॉट्स हैं वहाँ पे आपको प्लॉट के टोटल एरिया का 20% कवर करना होता है, 80% खाली छोड़ना होता है। जैसे 5 कनाल का प्लॉट है तो 5 कनाल के प्लॉट में आप सिर्फ 1 कनाल पर घर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कनाल बड़ा वाला यानी 600 गज का कनाल है तो आपको डेफिनेटली 1 कनाल भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है। 10 कनाल का प्लॉट है तो आप सिर्फ 2 कनाल पर घर बना सकते हैं, तो आपको काफ़ी एक
ऑप्टिमल जगह मिल जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे इस वक्त स्क्रीन पे आप एक फार्म हाउस का 360 व्यू देख रहे हैं, इस फार्म हाउस में दो प्लॉट्स हैं और इनमें एक प्लॉट के एक कॉर्नर को यूज़ करते हुए 20% कवर किया गया है, बाकी दूसरा प्लॉट ऑलमोस्ट खाली रखा गया है। इसका आपको जो गुलबर्गी में कंस्ट्रक्शन के बायलॉज हैं, आपके बेसिक बायलॉज जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने किसी भी फार्म हाउस में जो फ्रंट है उसका 75 फीट खाली छोड़ना होता है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और बैक साइड पे आपने 25 फीट खाली छोड़ना होता है, वहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और 15 फीट असाइड यानी 15-15 फुट दोनों साइड्स पे आपने खाली एरिया छोड़ना होता है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये बायलॉज हैं ओवरऑल गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक ए बी सी डी ई, बल्कि 6 ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक भी है। इन ब्लॉक्स में जो फार्म हाउसेज के ब्लॉक्स हैं तो वहाँ पर आपको टोटल एरिया जो रेशो मिलता है कंस्ट्रक्शन का वो 20% मिलता है आउट ऑफ 100%। जहाँ तक रेजिडेंशिया की बात है, जो कल एक भाई ने इस वीडियो पे कमेंट भी किया था कि गुलबर्ग ग्रीन्स में 4 कनाल 5 कनाल 10 कनाल के प्लॉट नहीं है, मेरे पास 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं, 7 मरला 10 मरला और 5 मरला 7 मरला 10 मरला 12 मरला कनाल 2 कनाल, ये छोटे प्लॉट्स हैं, ये जो है गुलबर्ग रेजिडेंशिया में है, जो गुलबर्ग ग्रीन्स को क्रॉस करने के बाद यानी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से पहले आप 7.5 किलोमीटर गुलबर्ग के अंदर आएंगे ग्रीन्स के, उसके बाद फिर आगे रेजिडेंशिया स्टार्ट होगा, जिसमें रेजिडेंशिया में पहला ब्लॉक है गुलबर्ग रेजिडेंशिया ब्लॉक ए, इस तरह आगे ये कंटिन्यू करते हैं टिल ब्लॉक वी। ये जो ब्लॉक्स बनते हैं जो मैंने आपको ए से लेके वी तक काउंट करवाए हैं, ये फर्स्ट फेज़ में लॉन्च किए गए थे, उसके बाद फिर ए में भी कुछ पार्ट एक्सटेंड कर दिया गया, जैसे एक्सटेंशन बना दिया गया, फिर ए के बाद एक नया ब्लॉक आया ए एग्जेक्टिव, वो भी ए ब्लॉक के साथ ही है, उसके बाद फिर आगे पी ब्लॉक को 4 फेजेज़ में एक्सटेंड किया गया। जैसे पी ब्लॉक में पहले जो प्लॉट थे वो कुछ 700 ± प्लॉट थे, P1, फिर आगे P2, P3, P4, अब टोटल प्लॉट का काउंट करें तो अराउंड 7000 प्लॉट बनते हैं सिर्फ एक पी ब्लॉक में। अब ये छोटे प्लॉट्स और बड़े प्लॉट्स का मैं आपको गैप इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गुलबर्ग ग्रीन्स गुलबर्ग इस्लामाबाद एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आगे दो प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है गुलबर्ग ग्रीन्स, जहाँ पे जो शुरू के 7 किलोमीटर हैं इस्लामाबाद हाईवे से उतरने के बाद, वो प्लॉट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउसेज हैं, 4, 5 और 10 कनाल के प्लॉट्स, और जो सेकेंड पार्ट है जो आगे एक्सटेंड करता है गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, जिसमें कि छोटे प्लॉट्स हैं 5 मरला से लेके 2 कनाल के प्लॉट्स, वैसे 2 कनाल का प्लॉट भी छोटा प्लॉट काउंट होता है गुलबर्ग ग्रीन्स में, गुलबर्ग इस्लामाबाद में बेसिकली, गुलबर्ग ग्रीन्स में तो 2 कनाल का प्लॉट है नहीं, यहाँ पर स्टार्टिंग ही 4 कनाल से है। इनफैक्ट इस वक्त जो गुलबर्ग ग्रीन्स की डिमांड है वो इसी पॉइंट पर कि गुलबर्ग की एक लोकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पर इस्लामाबाद में कोई और सोसाइटी नहीं है, यहाँ इस्लामाबाद क्या पाकिस्तान में कोई और सोसाइटी नहीं है जहाँ पर इतने बड़े मैसिव स्केल पर आपको फार्म हाउसेज ऑफर किए जा रहे हों, और वो भी इस्लामाबाद की इस प्राइम लोकेशन पर। प्राइम लोकेशन मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद में कहीं भी CDA के सेक्टर्स हैं, जैसे G6, F6, E6, E7, G7, F7, इन सेक्टर्स में देखें तो आपको 60 बाय 100 का प्लॉट यानी 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, 1 कनाल का प्लॉट अराउंड 220 मिलियन कॉस्ट करता है, 22 करोड़ से लेकर 26 करोड़ कॉस्ट है 1 कनाल के प्लॉट की। गुलबर्ग में आपको G6, F6 से जो डिस्टेंस लगता है 0 पॉइंट से हार्डली आपको 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस लगता है, क्योंकि वहाँ पर ज़रा ट्रैफिक ज़्यादा है। गुलबर्ग को कंपैरिजन देखें 0 पॉइंट से सेम आपको अगर गुलबर्ग की इंटरचेंज तक आते हैं या गुलबर्ग के एक्सप्रेस वे जो इंटरचेंज बनी हुई है वहाँ तक आते हैं, सेम टाइम लगता है 5 से 7 मिनट्स का। गुलबर्ग यहाँ पे जो 10 कनाल का प्लॉट है उसकी प्राइस अराउंड 11-10 मिलियन है यानी 11 करोड़ से स्टार्ट होती है, तो 11 करोड़ डेवलप प्लॉट रेडी फॉर पोजेशन जिस पे आप फौरन मूव कर सकते हैं। ई ब्लॉक में खैर सर प्लॉट के रेट डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जितने भी डेवलप प्लॉट हैं वो आपको इस ब्रैकेट में मिल जाते हैं। 11 करोड़ का डेवलप प्लॉट है आपको, आपको लेस हाफ प्राइस में मिल रहा है जितने में आपको कनाल का प्लॉट मिल रहा है वहाँ पे, यानी आपको जो प्लॉट मिल रहा है उसका साइज़ है 1 कनाल और यहाँ प्लॉट का साइज़ है 10 कनाल, प्राइजेज उसकी डबल है, वहाँ 22 करोड़ है यहाँ पे 11 करोड़ है। तो ये फ़र्क है गुलबर्ग ग्रीन्स का लोकेशन वाइज ओवरऑल, और एंड जो मैं टाइम लैप्स शामिल किए गुलबर्ग के मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे प्लस कुछ फार्म हाउसेज का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये ओवरऑल गुलबर्ग ग्रीन्स में आज की डेट यानी आज अगर आप विजिट करते हैं गुलबर्ग 28th of December 2020, तो इस तरह के व्यूज़ आपको गुलबर्ग में मिलेंगे। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको गुलबर्ग ग्रीन्स में बुकिंग या रीसेल के हवाले से कुछ भी मालूम चाहिए हो, अपार्टमेंट शॉप फिलहाल फार्म हाउसेज कुछ भी हवाले से जानना चाहते हो, तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान जी मैं को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।